मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मुलुंड कोर्ट में मानहानि का दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 15 जनवरी 2023 को कोकण फेस्टिवल के दौरान भाषण देते वक्त कहा था कि संजय राउत को 2004 में मैंने सांसद बनाया था, राज्यसभा का फॉर्म भरने के लिए उनका नाम वोटिंग लिस्ट में था ही नहीं। संजय राउत का फॉर्म भरने के लिए मैंने सेटिंग लगाकर उनके लिए दस्तावेज लाए थे। इस विवादित वक्तव्य पर नारायण राणे को फरवरी महीने में कानूनी नोटिस भेजी गई थी, पर उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया था। अब इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होगी। इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। केंद्र के मंत्री है, सोच समझकर बोलना चाहिए। दो दिन पहले लोकसभा में अविश्वास ठहराव के दरमियान भी उनकी भाषा आप देखिए, किसी केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देती। आप मंत्री हो, आप अगर गुंडा हो तो बाहर, सदन में नहीं। हम भी है फिर। मेरे बारे में एक उसने विधान किया है कि संजय राउत को मैंने सांसद बनाया। अरे भाई, बालासाहेब ठाकरे थे 2004 में सांसद बनाने के लिए मंत्री, आपको भी मुख्यमंत्री बालासाहेब ठाकरे ने बनाया जैसे हमको सांसद बनाया। संजय राउत के पास जब उम्मीदवारी जो अर्ज था मेरा, पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, ऐसे बहुत से आरोप, तो मैंने उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास सब कुछ था। आप जाकर मेरा उम्मीदवारी अर्ज देख सकते हो, मेरा नंबर देख सकते हो, लेकिन आप दर दिन एक झूठ बोलते हो और भाजपा वाले तालियां पीटते हैं। अब मैं उनको पीटूंगा कोर्ट में। सर, काय नेमकी तारीख भेटलेली आहे आणि 29 एक